किस तरीके से बॉडी उखड़ी की निकाली गई है कब्रिस्तान से, क्या मामला है? मामला ये है कि 15 अप्रैल में भाई की डेथ हुई थी सऊदी अरब, वहाँ से 40 दिन में बॉडी आई थी। उसके बाद में जब वो बॉडी आई थी तो हमें उसके ऊपर कुछ शक पैदा हुआ, हमने 3 दिन अपने घर रखा पोस्टमार्टम के लिए, हमें परमिशन नहीं मिली। फिर हम उसके कुछ दिन बाद ही परमिशन आ गई थी, तो हमें डीएम साहब के यहाँ बुलाया गया था। डीएम साहब के यहाँ हमें बताया गया कि यहाँ से वहाँ से ऑर्डर आए हैं बॉडी का, हमने कहा तदफीन कर दी है हमने 1 जून में। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि ये ऑर्डर आए हुए हैं, तो हम लग गए कि ऑर्डर आए तो ज़ाहिर है पता हमें चलना चाहिए, शुरू से ही हम जाना चाह रहे थे। फिर ऑर्डर आ गए थे, उसके बाद में फिर हमें अंजुम बी ने ऑर्डर दे दिए थे एसीएम सेकंड ने, फिर रिमाइंडर हमने किया, फिर काम नहीं हुआ था हमारा अभी तक, तो फिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो ये हमारा हाईकोर्ट का नतीजा है। तो किस तरीके से आप लगता है आपको क्या रहेगा प्रशासन? बस ये हम ये चाह रहे हैं कि जो भी है सच्चाई वो सामने आ जाए। जो एक माँ का शक है कि वो फ़ोटो देखती हैं मुँह से झाग निकले हुए हैं, तो उनको एक शक पैदा होता है कि मेरा बच्चा कैसे ख़त्म हो गया। क्या यूए कंट्री से बॉडी आना संभव है इस तरीके से? क्या यूए कंट्री के जो वो कानून है उसमें शक शुबा कुछ? किस तरीके से बॉडी आना मतलब जिस तरीके से वहाँ से बॉडी आई है यूए से सऊदी अरब से डेड हुई है, तो उसकी वहाँ से जो जिस तरीके से बॉडी यहाँ आई, तो वहाँ के कानून से आप शक शुबा रखती हैं फिर? नहीं, कानून से क्या शक शुबा रखेंगे, घर में जो भी हुआ उसके घर में हुआ। बॉडी तो घर से वो लेके कौन लेके आया था? बॉडी तो हमने एनओसी अम्मी ने हमारी कानून के जरिए आई, कानून के जरिए ही बॉडी आई। तो क्या माँ के कानून पर कुछ शक शुबा है फिर इस हिसाब? नहीं, कानून का शक शुबा क्या है, जिस तरीके से उनके बेटे की डेथ हुई है उनके ही, बस ये है कि कहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ और गलत कहाँ हुआ कैसे हुआ ये अभी तक हमें पता नहीं चला। तो बस ये है कि साथ में उनकी वाइफ थी, 2 साल की बच्ची थी, तो वो वाइफ ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया, वाइफ ने आके अगर वही कुछ बताई थी तो ये जो है यहाँ तक बात नहीं पहुँची। तब से अब तक क्या रहा पूरी प्रक्रिया में? घटना जब वहाँ इंतकाल हुआ, घर में इंतकाल हुआ ये बताया गया सऊदी में, और जब इंतकाल की सुना था इन लोगों ने, फिर कोशिश की गई कि किसी भी तरह से बॉडी आ जाए, बॉडी नहीं आई थी, वाइफ साथ में थी इनकी, वो आई, उसके बाद में मतलब जो है बॉडी का प्रयास किया, 45 दिन बाद बॉडी अपने घर पर आई। फिर उसके बाद डीएम साहब के यहाँ भी गए थे हम, एसपीसी सिटी साहब के यहाँ भी गए थे, सब ने मतलब जो है आश्वासन दिया, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए किसी कोई भी तैयार नहीं हुआ। थाना इंचार्ज उस वक्त सिविल लाइन थाना इंचार्ज साहब से भी हमने बहुत प्रयास किया, सीओ साहब से भी बहुत प्रयास किया, लेकिन सब ने अपने अपने पल्ले झाड़ दिए और किसी ने भी पोस्टमार्टम के लिए कोई प्रयास अपनी तरफ से नहीं किया प्रशासन ने, अब अदालत के ज़रिए। लेकिन वो समय कोरोना का था ना, उस समय तो आपको पता है कि नहीं हो सकता था। नहीं, क्यों नहीं हो सकता था, सारे पोस्टमार्टम हो रहे थे भाई, अभी एक्सीडेंट हो जाता है अगर मतलब प्रयास करोगे बगैर पोस्टमार्टम के बॉडी दे दो, नहीं देते कानून के हिसाब से आपके साथ नहीं दिया प्रशासन ने? नहीं, उस वक्त कराना चाहिए था, वहीं से पहले तो वहीं से होना था पोस्टमार्टम, सऊदी अरब में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, नहीं वहीं होना चाहिए भाई, प्लान आई थी। क्या लगता है आपके जो कानून है प्रशासन है, तो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ भी भाई, वहाँ क्या क्या रहा, क्या वजह रही वहाँ के, हमें हालात की हमें बिल्कुल जानकारी। क्या लगता है किस तरीके से रहेगा? अब देखिए पोस्टमार्टम के लिए अगर ऑर्डर किए हैं, अदालत से ऑर्डर हुआ है, पोस्टमार्टम होता है, जो भी होगा। क्या नाम था जिसके शक दूर हो जाएगा? क्या नाम था जिनकी डेड हुई थी? इनका क्या नाम था? तमकीन। क्या उम्र रही होगी? तकरीबन 38 साल। कितने महीने हो गए इस बात को? लगभग हो गए 10 महीने। 10 महीने, 10 महीने बाद आज बॉडी निकली है। हाँ, शव को निकाला गया, क्या एक शाहिदा परवीन है, निवासी लोको कॉलोनी अलीगढ़ की, उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनका बेटा जो सऊदी अरब में था तमकीन अहमद, 15 अप्रैल 2021 को उसकी डेथ हो गई थी और 31 मई 2021 को ही बॉडी यहाँ ला कर और 1 जून को दफना दिया गया था। उसमें संभवतः कोरोना का लहर चला था, इसमें पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था इनका कहना था। तो बाद में इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिकायत की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका भी आयोजित की गई, जिसमें माननीय न्यायालय का आदेश था कि इसको 176 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट अपना संज्ञान लेकर अगर मृत्यु का कारण ज्ञात करना है तो बॉडी निकलवा के उसका पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। तो मैंने जो संयुक्त निदेशक जो हमारे JD प्रोसिक्यूशन होते हैं उनकी भी विधिक राय ली, तो उन्होंने कहा कि बॉडी निकलवा के और इसका मृत्यु का सही कारण अगर
जानना है तो पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। उसी के तहत आज मृतक के जो घर वाले हैं और हमारे संबंधित पुलिस स्टाफ और सबके उपस्थिति में बॉडी निकलवाया गया और उसको भेजा जा रहा है। क्या लगता है यूए से इस तरह जिस तरीके बॉडी आई है तो कुछ सौभाग्य चला गया? नहीं, अब तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कारण क्या है मृत्यु का। उनकी शिकायत थी कि इसको संभवतः मारा गया है, ये हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहना तभी उचित होगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये काफ़ी जगह जाते रहे उस टाइम बॉडी आई, उस टाइम भी अधिकारियों को चक्कर लगाए लोगों ने? हाँ, उस समय तत्समय क्या घटनाएं रहीं, क्यों नहीं पोस्टमार्टम हो पाया, लेकिन अब अभी पिछले महीने ही माननीय न्यायालय का आदेश था, उसी क्रम में हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। ये सुनने में आया था कि सऊदी अरब से जब बॉडी आई हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम ऑलरेडी हो चुका था? नहीं, ये कहीं ना इन्होंने बताया हमको, ना हमारे पास जो पेपर्स अवेलेबल हैं उसमें कहीं ये शो नहीं हो रहा कि उसका पीएम कहीं हुआ था।